सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें निर्माण होना चाहिए जिसके कारण कुछ भी ना करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है, सिर्फ अज्ञान ही, अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सजो क्या में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? ये सीधा ही था। सो जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ ही होती रहती है, और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते हैं। और आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि हाँ, क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्या मेरी बेटी खड़ी हुई। और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं, सूट बूट पहन के या बाल कटा के मुंह में लिपस्टिक लगा के, उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। उल्टे मुझे लगता है ये जा रहे हैं से हट रहे। इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना, गणेश के ओर से मुंह मोड़ लेना है, उसकी क्या जरूरत है? वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन है। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा, रहना होगा। और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर। लोग बात हमसे खुद कहते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं जिनको कि उनके समाज ही में अत्यावश्यक है, वो तक कहते हैं कि माँ तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे, कुर्ते पजामे में पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा। तो जो गणेश की संस्कृति है कि इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य। अब आप देखिए, ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं, उनके तोंद इतने बड़े हैं, महाकाय हैं, गणेश इतने मोटे दिखाई देते, लेकिन उनका सौंदर्य क्या है, किस चीज का आकर्षण है? लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश जी की मूर्ति को कितना, ऐसे तो महाराष्ट्र में विठ्ठल विठ्ठल ही लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, वहां से विठ्ठल भी उठ गए। यहाँ तो विठ्ठल की बीमारी है सब तंबाकू खाकर। लेकिन क्यों लोकमान्य तिलक ने श्री गणेश को ही चुना, और क्यों वही सारे सृष्टि की जितनी भी सुंदरता है उसे बनाते हैं? उनका कौन सा स्थायी भाव है जिसके बगैर श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में उतर सकते थे? वो कौन सा उनके अंदर भाव था? उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव, एक बालक का स्वभाव, इसमें अबोधिता, इनोसेंस पूरा।
पूरा इनोसेंस उसके अंदर भरा होता है। यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है, ना कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठन्ना, ये कोई मोहकता, ये तो दो क्षण की बात है। एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा कहें, लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में। तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कार्रवाई, उनकी जो बालिश बातें हैं। श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूरदास ने किया है। उठ बकर चलते थे, ऐसे पैर से पंजन उनके बजते थे, गिर जाते थे, और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देख करके बड़े खुश होते थे, हालांकि वो विश्व के करता है। जहाँ उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया, और बच्चों जैसी जो बातें करते, श्री राम के लिए भी यही कहा था। ईसा मसीह के बारे में लोगों ने उनका बचपन बताया नहीं, लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं। और इसीलिए जहाँ जहाँ बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए, क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद और उल्लास नहीं होता, रोने धोने का धर्म बन गया। जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म, बुद्धियों में बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है, मुसलमान लोग रोने धोने का, बाप रे बाप, उनका तो भगवान ही बचाया, और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का। ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को क्रूस पे टांग लिया और सबके पापों की क्षमा मांग ली एक बार। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ईसा मसीह को तो टांग नहीं सकते तो खुद ही टंग लेते हैं, और बड़े प्रोसेशन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाएगा। बताइए, इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते हैं? सो जो आनंद है, उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए। उसकी और कौन ध्यान देता है? आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माँ ने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए? चलो कोई आपको ठग भी, हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपको लोग ठग लेते। मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी माया में उनको जरूर दिखाती हूँ कि तुम थोड़ी देर मुझे ठगो, इससे मैं जानू तो कि तुम कैसे ठग हो, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ठगी चीज क्या होती है। जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता है कि ये ठग है और ये ठगी होती है, फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता है और ठगी भी खत्म। तो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोले पर स्वीकार करना चाहिए। शंकर के लिए भी यही कहा जाता है कि भोले उनमें भोलापन है। कौन सी ऐसी देवता है जिसमें भोलापन नहीं? देवी के लिए कहते हैं कि जिस वक्त उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने सारी सृष्टि का संहार करने का विचार कर दिया, बिल्कुल तंग है, तब सब लोग ने हाहाकार मच गया कि जब माँ ही बिगड़ गई तो अब क्या होगा हमारा, और सबको लगा कि अब तो हम सर्वनाश हमेशा के लिए हो जाएगा और फिर से सृष्टि की रचना ही नहीं। उस वक्त शंकर जी को एक बात सूझी कि उन्हीं के बच्चे को उनके पैर के नीचे में डाल दिया, पहले कि तोड़ना है तो इसी बच्चे को तोड़ो। इतनी बड़ी जीभ उनकी निकल आई, बाप रे, मैं अपने बच्चे को ही मिटा रही। ये बच्चों की तरफ से जो हमारे लिए एक तरह से प्यार, आह्लाद, एकता, और जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, समग्रता, ये प्राप्त। सब ने कहा है कि बच्चों के कारण दुनिया एक हो जाती है। जब एक बच्चे पे आफत आती तो सब माँ बाप की आंखें उस बच्चे की ओर दौड़ती कि उस बच्चे को बचा, क्योंकि हम लोग विश्वव्यापी हैं एक तरह से, कि जो विश्वव्यापी सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को पनपने देना चाहिए। ये विश्वव्यापी शक्ति है और इसका एहसास, इसका अनुभव हम सबके अंदर है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुमको अगर परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो छोटे बच्चों जैसे तुम्हें होना चाहिए। यही गणेश की पूजा है
जहाँ की आप पे वो अबोधिता हो, और उनका सहज नृत्य जो है, सहज झगड़ा जो है, सहज बातें जो है, कितनी सुंदर है। उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं। पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए, बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता, आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना ले। आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए, वहां पर वो कुछ ढूंढ लेंगे, कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ ना कुछ वो खेल बना लेते, हर चीज उनके लिए दीना, और फिर उसे छोड़ भी देते, उसे अटैचमेंट नहीं, उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है। जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए कि बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा। जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए वो 3 बार ला के दे, कोई खेल खेल रहा है छोड़ के भाग जाएगा दूसरा, उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि इससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए। वो जो भोलापन है, उस भोलापन में जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं, बगैर ज्ञान के भोलापन।